नमस्कार दोस्तों, आप जो भी जिस संगति में भी रहते हैं वही आप बन जाते हैं। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर आप 5 अमीर लोगों के साथ के संगति बनाएंगे, छठा अमीर आदमी आप रहेंगे। आप अगर 5 बिजनेसमैन लोगों के साथ रहेंगे तो आप छठा बिजनेसमैन लोग होंगे। आप अगर 5 सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले आत्मविश्वासी वाले लोगों के साथ रहेंगे तो छठा सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले आत्मविश्वासी लोग आप होंगे। कहा जाता है कि संगत में लोहा मसता है। जैसा आप संगत करिएगा वैसा आप बन जाते हैं। कोशिश करिए कि हमेशा अच्छे संगत में रहें, क्योंकि अगर आप 5 चोर के संगत में रहेंगे छठा चोर आप बन जाएंगे, 5 डकैत के संगत में रहेंगे छठा डकैत आप बन जाएंगे, 5 अमीर लोगों के साथ रहेंगे आप अमीर बन जाएंगे। जैसा आप संगत करेंगे वैसा आप बन जाते हैं। आप अपना संगति को चेंज करिए, अपना कंपेनियन को चेंज करिए, आपका लाइफ अपने आप चेंज होता जाएगा। ये संगति ही आपको ले डुबाती है, ये संगति ही आपको आसमान तक पहुंचाती है। अब आपका संगति कैसा होगा ये आप पर निर्भर करता है। अमीर लोगों के साथ संगति आप कैसे करेंगे, प्रश्न ये उठता है। अमीर लोग कहाँ मिलते हैं, आपके पास कहाँ से टाइम देंगे? अमीर लोग आपको टाइम नहीं देंगे। अमीर आपको बनना है, टाटा बिरला अदानी के शामिल होना है उस समूह में, तो आपको उस लेवल तक सोचना होगा, उनके कुछ किताबों को पढ़ना होगा। वो कुछ किताबें लिखे हैं, वो अपना आत्मगाथा निकाल के रख दिए हैं, उन किताबों को पढ़ना होगा। उस किताबों के जरिए, उस नोट्स के जरिए आप उससे कंपेनियन कर पाएंगे और धीरे धीरे आप उसकी तरह सोचने लगेंगे और धीरे धीरे आप उस तरह बनने लगेंगे। कोशिश करनी ये है कि आपको अपना कैंपेनियन चेंज करना है, अपना संगति चेंज करना है, क्योंकि आपका जो संगति है आपको वैसा ही बनाती है। जैसा आप जिस संगति में रहते हैं वैसा आपका संगति बन जाती है। मैं ये ओपन चैलेंज करता हूँ कि अगर 3 महीने में आप एक 5 अमीर लोगों के साथ रहिए, 3 महीने आप छठा अमीर आदमी होते हैं कि नहीं। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि 3 महीना आप बिताइए सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले लोगों के साथ, तो छठा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं आप खुद देखिए। आप ये 5 बिजनेसमैन लोगों के साथ रहिए तो छठा आप बिजनेसमैन होते हैं कि नहीं आप ये देखिए। 3 महीने में दोस्तों आपका चेंजेस आने लगता है, सिर्फ 3 दिनों में, 3 महीनों में। 3 महीने में आपको पता चलने लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सारे चीज आपको बताने लगेंगे। इससे 3 महीनों में आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। 3 महीने में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैंपेनियन क्या होती है और संगति क्या होती है। आप अभी तक जो संगति कर रहे थे वो किन लोगों का संगति था जो आपको डुबाया है। अगर आपके 5 दोस्त गरीब रहेंगे आप भी छठा आप भी गरीब हो जाएंगे। आपके 5 दोस्तों का नेटवर्थ अगर आप जोड़ें कि सबका नेटवर्थ माइनस में चल रहा है तो आप भी माइनस में हो जाएंगे। सबका नेटवर्थ मान के चलिए कि 1 लाख का कर्जा सबका है, छठा आपका भी 1 लाख का कर्जा होगा। आप 5 लोगों का नेटवर्थ आप मान के चलिए जो अमीर लोग हैं सबका नेटवर्थ 1 करोड़ करके है, 5 करोड़, छठा आपका भी नेटवर्थ 1 करोड़ का होगा। तो संगति ही आपको बनाती है, संगति ही आपको बिगाड़ती है। संगति में लोहा डूबता है। नेटवर्थ जैसा आपके दोस्त के हैं, जैसे आपके कंपेनियन के हैं, जैसे आपके साथ उठते बैठते लोगों का है, उसी तरह से आपका भी नेटवर्थ घटता है, आपका भी नेटवर्थ बढ़ता है। नेटवर्थ बढ़ाना है तो लोगों को बढ़ाना होगा, उन लोगों से जुड़ना होगा, उन लोगों को अपना फ्रेंड बनाना होगा, उन लोगों को अपना दोस्त बनाना होगा जिनका नेटवर्थ बड़ा है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप जैसा करते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा जिस लोगों के साथ बैठते उठते हैं वही आप बन जाते हैं।
आपका संगति ही आपको बनाती है, आपका संगति ही आपको बिगाड़ती है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।